नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। वहीं सिवनी मालवा में एसडीआरएफ की टीम ने टापू पर फंसे 8 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। नर्मदापुरम में नर्मदा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। निचली बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं इटारसी के तवा डैम के सभी 13 गेटों से लगातार पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। वहीं नर्मदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। नर्मदा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बारिश के चलते जिले की सिवनी मालवा तहसील के शिवपुर ग्राम स्थित मोरन नदी पर बने टापू पर 8 लोग फंस गए थे, जिनको रेस्क्यू कर बचाया गया है। ये सभी राजस्थान के चरवाहा हैं, जो कुछ समय पूर्व भेड़ बकरी और ऊंट लेकर इस क्षेत्र में आए थे। जिले में लगातार पिछले 2 दिन से बारिश का दौर जारी है और हमारी QRT और हमारी DRC टीम में लगातार विभिन्न क्षेत्रों में तैनात है। और अभी वर्तमान में अभी 10 बजे का जल स्तर है जो 963 फीट चल रहा है। और अभी तवा बांध के गेट भी जो है पानी कम हुआ है और नर्मदा जी का भी पानी अभी 24 घंटे के अंदर आने टाइम लगता है। सांडिया घाट से हम स्थिति को नियंत्रण में कर रहे हैं। यहाँ पे 10 जो है हमारी DRC टीमें तैनात हैं और हमने 6 टीमें जो है हमने यहाँ पर जिला मुख्यालय पर जो रेस्क्यू के लिए रखी हुई हैं। साथ में हमारे पास 40 जवान SDRF की हमारे पास तैनात हैं। कहीं भी जिले में कोई ऐसी घटना होती है तो तत्काल हमारी टीम पहुंच के राहत बचाव कार्य संपादित करे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।